Very good morning students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 2 and today we continue chapter 3 addition and today we do next new exercise 3.2 page number 27. बच्चों आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.2. तो लेट्स सी, दिस इज योर मैथ्स बुक मैथ्स ऑफ क्लास 2 एंड ओपन एक्सरसाइज 3.2. दिस इज द एक्सरसाइज 3.2 एंड पेज नंबर 27. सी एट द फॉलोइंग, सम क्वेश्चंस आर गिवन, इन्हें हमें ऐड करना है. देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, हमें इनको प्लस करना है. देखिए ये डिजिट हमारी वंस की है, ये डिजिट टेंस की है और ये डिजिट हमारी 100 की है. सो वंस टेंस 100, तो ये हमारी 3 डिजिट हैं, इन्हें हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले बच्चों हम वंस की जो डिजिट होती हैं हम उन्हें प्लस करते हैं, उसके बाद टेंस के डिजिट को प्लस करेंगे एंड देन 100 की जो डिजिट है हम उन्हें प्लस करेंगे, यानी पीछे से प्लस करना हम शुरू करते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम इनको प्लस करते हैं, ये 3 है और ये 4 है. तो बच्चों देखिए आप लाइन ड्रॉ करके भी प्लस कर सकते हैं और आप अपनी फिंगर पर काउंट करके भी प्लस कर सकते हैं. अब आप थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हो बच्चों, सेकेंड क्लास में, तो आप लाइन के बदले आप अपने फिंगर पर काउंट करना सीखेंगे. ओके, देखिए किस तरह से आप अपने फिंगर्स पर काउंट करेंगे. पहले कितना नंबर है बच्चों, ये 3, तो हम अपने फिंगर्स पर 3 काउंट करेंगे. देखिए ये हमारे डिवीज़न बने हुए हैं फिंगर में, तो 1 2 3. अब 3 के नीचे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4. अब हम नेक्स्ट फिंगर पर 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4. यहाँ तक आ गए बच्चों हम. अब हमें प्लस करना है, तो हम यहाँ से अब पीछे की तरफ काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 7. तो हम 4 के नीचे यहाँ 7 लिख देंगे, बिल्कुल 4 के नीचे ही लिखना है आपको, इधर साइड में नहीं लिखना है. ओके, डिजिट के नीचे डिजिट ही आनी चाहिए. इसी तरह से देखिए यहाँ 4 और 3, देखो यही दोनों नंबर हैं फिर से, तो इनका भी प्लस हमारा 7 ही आएगा, तो यहाँ पे भी हम 7 लिख देंगे. अब ये 3 और ये 5, चलिए इनको प्लस करते हैं. पहले हम 3 काउंट करते हैं, उसके बाद 5 काउंट करेंगे, 1 2 3. अब हमें 5 काउंट करना है, देखो नीचे 5 लिखा हुआ है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5. तो यहाँ तक हमने काउंट कर लिया, अब हमें प्लस करना है बच्चों, तो यहीं से हम शुरू करेंगे काउंट पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 5 के नीचे कितना लिखेंगे, 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे. तो आंसर है हमारा 877. इसी तरह से देखिए अब हम इसे प्लस करेंगे, ये कितना है, 2. तो पहले हम 2 काउंट करते हैं, देखिए 1 2. अब 2 के नीचे बच्चों यहाँ क्या है, 6 है, तो हम 6 काउंट करेंगे. हम यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6. यहाँ तक हमने काउंट कर लिया, अब हम टोटल काउंट करते हैं, यहीं से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो कितना आया बच्चों, 8. तो 6 के नीचे हम यहाँ 8 लिखेंगे. इसी तरह से देखिए ऊपर कितना है, 7, और नीचे कितना है, 1. तो देखो 7 तो पहले से ही है हमारे पास, 7 में हमने एक और गिनना है, तो 7 के बाद 1 8, यहाँ 8 आ जाएगा, और 6 और 3. चलिए फिर से काउंट करते हैं, पहले 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6.
अब कितना काउंट करना है बच्चों, देखो यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है तो थ्री काउंट करेंगे, 1 2 3। अब हम इन सबको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना नंबर आया, 9। तो 3 के नीचे 9 लिखेंगे हम, तो आंसर हो गया 988। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से हमें सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी करने हैं। चलिए इसे देख लेते हैं, और ये 2 है और ये 5। तो फिर से हम अपने फिंगर पर काउंट करेंगे, पहले हम 2 काउंट करते हैं, 1 2। अब कितना काउंट करना है बच्चों, 2 के नीचे देखो ये 5 लिखा हुआ है, 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। हम एक साथ गिनेंगे सबको मिलाकर, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 के नीचे हम लिखेंगे 7। इसी तरह से पहले 4 काउंट करेंगे और फिर 5। तो 4 काउंट करते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 5 है ये, तो 5 काउंट करेंगे हम, 1 2 3 4 5। हमें सबको प्लस करना है, यानी सबको काउंट करेंगे एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आया बच्चों, 9। तो 5 के नीचे 9 लिख देंगे हम। इसी तरह से अब ये है 5 और ये 3। तो पहले हम 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। हमें 3 काउंट करना है, तो 1 2 3 यहाँ तक आ गया। अब हमें बैक में सबको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना आया, 8। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से इसे देखिए, यहाँ पे 0 है, तो बच्चों जब 0 प्लस होता है तो हम 0 को छोड़ के यहाँ पे जो नंबर है यही नंबर हम यहाँ लिख देंगे, 8 है तो हम यहाँ 8 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 0 कुछ नहीं होता। अब 3 और 6, सबसे पहले हम 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। हमें 6 करना है, तो 1 2 3 4 5 6। हम सबको काउंट करेंगे मिलाकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो गया, 9। तो 6 के नीचे हम 9 लिखेंगे, बिल्कुल 6 के नीचे ही लिखना है आपको। अब ये देखो इसे हम प्लस करेंगे, 100 के नीचे जो डिजिट हैं 6 एंड 2। तो सबसे पहले हम 6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें देखो 2 काउंट करना है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 2। हम एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 2 के नीचे 8 लिखेंगे, तो आंसर कितना हो गया, 898। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आया हमने फिंगर पे किस तरह से प्लस किया है इनको, इसी तरह से प्लस करना है। अब देखिए 5 क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे 5 और ये 4। तो पहले हम 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 के नीचे देखो 4 लिखा हुआ है, 4 काउंट करते हैं, 1 2 3 4। हम सबको प्लस करना है, तो यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 4 के नीचे 9 लिखेंगे, अब ये 6 है और ये 3। तो पहले हम 6 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे 3 है, तो 1 2 3। अब सबको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी कितना आ गया बच्चों, 9। तो 3 के नीचे 9 लिखेंगे, 3 के नीचे 9। अब 4 और 4, पहले 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। फिर से 4 काउंट करो, 1 2 3 4। अब सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कितना नंबर लिखेंगे, 8। तो आंसर हो गया 899। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने छोड़ दिए हैं, ये आप अपने आप इनको ऐड करेंगे,
और ये आपको बुक में ही करना है, आप यहीं बुक में ही आप इनको प्लस करेंगे। ओके, जिस तरह से मैंने आपको ये करके दिखाए हैं सेम इसी तरह से आपको अपने फिंगर्स पर काउंट करना है और यहाँ इनके आंसर्स लिखेंगे। ये आप बुक में ही फिल करेंगे, कॉपी में आपको नहीं करना है। तो यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।